बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उक्त व्यक्ति की उम्र करीब 55 वर्ष है। यह घटना तुमसर रेलवे स्टेशन के पास की है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर पंचनामा किया। बीमारी से त्रस्त विवाहिता महिला ने अपने मायके में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला का नाम बिरसी वार्ड हेटी बंगला वर्षा ग्राम निवासी दीक्षा प्रतिम थरवे उम्र 33 वर्ष बताया गया है। इस मामले में भंडारा पुलिस ने धारा 174 के तहत मर्ग दाखिल किया। सेंटरिंग की प्लेट चुराने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे लेकर साकोली निवासी रामदास जंजी लांजेवार उम्र 56 वर्ष की शिकायत पर रोशन गोवर्धन सीडम उम्र 23 वर्ष तथा जयंत बारसागड़े उम्र 20 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। युवक को जबरदस्ती वैन में बिठाकर गांव के बाहर ले जाकर जबरदस्ती पीटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पुलिस ने गराडा ग्राम निवासी संजय कुमरा विखे उम्र 38 वर्ष की शिकायत पर पोहरा ग्राम निवासी प्रदीप भोयर तथा वृशांत मते उम्र 39 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। रेत का अवैध परिवहन कर रहे टिप्पर पर पटवारी ने कार्रवाई कर चालक के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। चालक सौरभ गोपाले ने अवैध तरीके से 8 ब्रास रेत भरकर ढुलाई करते पाया गया। गणेश नगर निवासी फिरियादी अभिषेक हनुमान दास अग्रवाल उम्र 40 वर्ष की आमगांव स्थित नारायणी राइस इंडस्ट्रीज मिल में अज्ञात आरोपियों ने कंपनी का लैपटॉप ऐसे कुल 32,500 रुपए के माल पर हाथ साफ किया। गोंदिया पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोरेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बागड़बंग स्थित खेत परिसर में काट कर रखे महुए के पेड़ की 4 क्विंटल लकड़ियों को चुरा ले गए। इसकी शिकायत फिरियादी संदीप योगराज चौधरी उम्र 28 वर्ष ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।